आज इसराइल का दौरा करेंगे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। इसराइल हमास युद्ध पर इसराइल के पीएम से करेंगे मुलाकात। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था दौरा। शरद पवार के फलस्तीन समर्थन पर असम के सीएम का तंज। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, सुप्रिया मैडम को क्यों नहीं भेज देते हमास की तरफ से लड़ाई लड़ने। बीजेपी नेता पीयूष गोयल का भी शरद पवार पर तंज, बोले परेशान करने वाला है शरद पवार का बेतुका बयान, उनको पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश भर के हाईकोर्ट्स में 17 नए जजों की नियुक्ति, 16 जजों का किया गया तबादला, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी मंजूरी। तेलंगाना में राहुल और प्रियंका गांधी का रोड शो, जनता से बोले आप बीआरएस को वोट दोगे तो बीजेपी के पास चला जाएगा आपका वोट। राहुल गांधी के वार पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, बीजेपी की बी टीम कहने पर बोले राहुल बाबा ने बीजेपी को गिफ्ट क्यों कर दी अपनी अमेठी की सीट। कमलनाथ और दिग्विजय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज, कपड़े फाड़ने वाली टिप्पणी को लेकर बोले राज्य के वोटर ऐसे नेताओं को सरकार बनाने की नहीं देंगे अनुमति। आजम खान और परिवार को 7 साल की जेल, अखिलेश यादव बोले आजम खान मुसलमान है इसलिए मिल रही सजा। दिल्ली में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान, केजरीवाल सरकार ने मुहिम में DSIDC की 66 टीमों का किया गठन। और वर्ल्ड कप के 17वें मैच में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला, आज पुणे में होंगी दोनों टीमें आमने सामने। अभी तक अपने 3 मैचों में जीता है भारत। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए DNP इंडिया।